हेलो एवरी वन वेलकम टू ए रिव्यूज़ वेलकम टू नदर सेशन वेलकम बैक गाइज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट गेम आ रहे हैं इस वीकेंड तो लेट्स इज़ नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड यू नो जम्प राइट इन टू इट हो नहीं क्या वाला है और हो क्या रहा है यार बात तो करनी है लिवरपूल वर्सेज आर्सनल की और उसकी बात मैं करूँगा अभी लेकिन उससे पहले मुझे मैं यार लेट चल रहा हूँ ना स्केजल से थोड़ा पीछे चल रहा हूँ तो मुझे एक और चीज़ की बात करनी थी उसका टाइम रह गया और वो ये था यार कि आई डोंट नो वट टॉट बोल इज थिंकिंग आई वॉन्ट टॉक अबाउट चेलसी चेल्सी क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही दे हैड गुड गुड ऑप्शन फॉर मैनेजर्स आउट देयर एंड दे वेंट फॉर लैम्पार्ड अगेन वाओ लाइक हाउ रेडिकुलर्स डैट वुड बी फॉर चेल्सी फैंस आपने ग्राम बॉर्डर की मास्टर क्लास से भी आपका सही पेट दिल भरा नहीं था आपको लैम्पार्ड रिटर्न कर दिया गया अ ऑफ पीपल आर सेम्पार्ड फॉर द रिडेम्पन बट रिडेम्पन होने नहीं वाली यार देखो कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनके प्लेइंग स्टाइल स्ट्रक्चर जैसे रनेरी हो गया सारी हो गया की के सैतियान हो गया उसकी भी बात करूंगा मैं इसी वीडियो में आगे वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट बाय की के सैतियान बट ये कुछ मैनेजर्स हैं मार्को बरेशा हो गया लीड्स वाला मैनेजर जिनकी आइडियोलॉजी जिनका प्लेइंग स्टाइल जिनके स्ट्रक्चर देख के लग रहा होता है कि आइट नाउ ही माइट बी अंडर परफॉर्मिंग ही माइट बी अंडर डिलीवरिंग राइट नाउ बट इसके आइडियाज ऐसे हैं कि लॉन्गर रन में ही कैन सक्सीड बट विद लैम्पार्ड यू डू नॉट सी इट यू जस्ट के नॉट सी इट इट्स नॉट विजिबल और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसकी वाइट इंग्लिश प्लेयर्स की सुप्रेमेसी उसकी आइडियोलॉजी बहुत कंजर्वेटिव है कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस क्लब चेल्सी एवर्टन रेंजर्स इधर उधर करे वहां ठीक है एडजस्ट हो सकता है एक्सपेरिमेंट कर सकता है बट वॉट चेल्सी राइट नाउ सॉरी गाइज लैम्पार्ड कैन नॉट डिलीवर लैम्पार्ड नहीं कर सकता वो डिलीवर खैर लिवर लिवरपूल से राशनल उस पर करेंगे बात बट मैं कहना चाह रहा था कि लुइस एनरिके को चांस देना चाहिए था लेकिन या तो चेल्सी ये सोच रही है कि भाई अभी हम लोग किसी तरीके से ये सीजन निकालें इंटर मैनेजर भी बिठा सकते थे पर पता नहीं क्यों लैम्पार्ड को किया ग्राम पॉटर को सैक करने के बीस इक्कीस मिलियन इन लोगों ने दिए हैं मतलब हराम का पैसा आया हुआ है इन लोगों के पास समझ नहीं आ रही सबकी जेबें भर रहे हैं अब लैम्पार्ड को लाए टेम्प्रेरी मैनेजर लैम्पार्ड पता नहीं क्यों वो अब क्या सोच के उसने जॉब एक्सेप्ट की लुइस एनरिके के नेगल्समैन थे दोनों ऑप्शन आई एम प्रशोर Lampard would वुड नॉट बी एबल टू सक्सीड और वुड नॉट बी एबल टू गो हैड आफ्टर दिस सीजन इस सीजन के बाद वो अल्ला हाफिज करेगा एंड देन लुएस एनरी और नैगल्स मैन माइट शो अप एंड दैट माइट बी लुएस एन इज बेटर दैन नेग मैन ही विल मेक यू सी द डिफरेंस एंड चेंज दैट ही हैज क्रिएटेड इन द टीम राइट आफ्टर द फर्स्ट गेम आपको पहले गेम में डिफरेंस नजर आएगा क्योंकि मैनेजर विद एन आइडियोलॉजी ठीक है अब दूसरा हमारे पास एक और जो बात करनी थी वो था सिटी ने आज साउथ से खेला है एंड दैट अपेरेंटली वॉज अ गुड गेम वन साइड था सिटी एतिहाद पे साउथ हेम्प्टन के अगेंस्ट पता था बहुत हद तक ये गेम क्लियरली यू नो सिटी के सिटी की हाफ में है द बॉल यू नो द बॉल इज़ इन सिटीज़ कोर्ट एक तरीके से जैसे हम कह सकते हैं और हालेंड यू नो क्विकस्ट टू स्कोर फोर्टी फोर प्रीमियर लीग गोल्स एंड यू नो हाइस्ट गोल्ड टैली प्रीमियर लीग का ड्रॉकबाग उसने मैच कर लिया है हीज़ ऑन फोटी फोर गोल्स और अभी भी सीजन बाकी है तो यू नो जस्ट बी रेडी अभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है एंड वी टॉक्ट अ लॉड अबाउट यू नो अपकमिंग प्रोडजीज इन फुटबॉल अदनान जानूजाज ये वो लमेला डिबाला बहुत नाम आए सामने बट अम्बापे वॉज वन जो प्रोमिनंट था एंड देन आफ्टर अम्बापे दिस इज़ द गाए And right now he is right next to his beside अंबा पे, बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है भाई, गोल स्कोरिंग मशीन है। Although one way player, मुझे उसके प्लेइंग स्टाइल से बहुत सारे खतालाफाद भी हैं, because he he offers something that is very important for the team, but there are other elements of the game as well. So on his bad day he might become a liability one day. Right now he's young, full of energy. I know he can improve and you know uh, he's he is very good. मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, but एक प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ ठीक है बॉल प्लेइंग स्ट्राइकर नहीं है इतना इसको डिलीवर करो ये आपको डिलीवर करके देगा इसका कुछ ऐसा सीन है हालैंड का हालैंड ने दो गोल मारे सिटी क्वाइट कंफर्टेबल विन अगेन यू नो इज अगेनोज सीन के वही वाली बात जो मैंने लास्ट वीक कही थी कि इतने कॉम्बिनेशन है इतने वेरिएशन है चैंपियंस लीग you know, अभी तो उसकी फॉर्म चाहिए भी थी वापस तो अब सिटी का जीतना उन्होंने तो अपना काम कर दिया अब मूविंग अहेड काम आ गया आर्सनल के पास अब आर्सनल को काम करना है आर्सनल काम करने कहाँ जा रही है आर्सनल काम करने जा रही है एनफील्ड पे एनफील्ड पे इनके जो इनका लास्ट आर्सनल से आ, मतलब यानी ओवरऑल जो रिकॉर्ड देखा जाए लास्ट थ्री गेम्स दो लेवरपूल जीत चुकी है एक आर्सनल ने जीता है और इन फाइव आई गेस आर्सनल ने एक ड्रॉ किया एक जीती और बाकी लेवरपूल जीती है तो लेकिन इस सीज़न सिचुएशन डिफरेंट है अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि गोइंग इनटू दिस टाई पिछले टाइम में जो आर्सनल जीती थी जिनचेनको वाज नॉट प्लेइंग बट राइट नाउेनको विल बी प्लेइंग डेफिनेटली कॉज सलेबा इज इंजर्ड और रॉब होल्डिंग जब डिफेंस में आएगा तो आई गेस वो बैक थ्री लगाएगा विदो को इन्वर्ट करके मिडफील्ड के सपोर्ट में जैसे हमने जिनचेनको को खेलता हुआ देखा है एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम क्योंकि वो एम सेल्फ इज अ वेरी प्रेस रेजिस्टेंट फास्ट पेसी फिजिकल बॉल प्लेइंग यू नो फुटबॉलर कि उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल भी स्कोर कर सकता है तो यू नो हैविंग इन इन मिडिल ऑफ द पार्क प्लेइंग इनवर्टेड बीइंग सपोर्ट फॉर ऑडी एंड अदर प्लेयर्स यू नो दैट्स दैट्स अनदर की फॉर दैट्स यू नो दे हैव टू दे विल हैव टू यूटिलाइज दैट क्योंकि सलेबा नहीं है पीछे से कैरी करने के लिए रॉब होल्डिंग के पास वो क्वालिटी नहीं है वो क्लास नहीं है कि वो इस आर्सनल स्क्वाड में स्टार्ट करे अनलेस देर इज एन इंजरी और वो अभी इस गेम में हमें नजर भी आएगा बट आर्सनल कोप अप कर लेगी मुझे जहां तक लगता है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम अगले आठ गेम सात गेम या दस गेम जितने बाकी हैं <coughs> उनके अंदर आर्सनल के लिए मस्ट विन गेम है तीन चार तो जिसमें न्यू कासिल है वेस्ट हैम है चेल्सी और लिवरपूल है जिसका पहला गेम तो ये रहा और मैन सिटी से भी इनका एक गेम बाकी है दैट्स प्रॉब्ली अवे और होम पर इनका मैन सिटी से एक गेम बाकी है फिलहाल तो अब एनफील्ड पे जा रहे हैं एनफील्ड पे रिकॉर्ड इनका लिवरपूल लिवरपूल के अगेंस्ट आर्सनल का इतना अच्छा नहीं है लेकिन एनफील्ड पे इस सीजन लिवरपूल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है और बोलते ना अवे हाँ तो अवे गेम है आर्सेनल का सिटी से दैट्स एन इंपॉर्टेंट गेम एज़ वेल तो उस गेम से पहले पहले आर्सेनल को अपने सारे गेम जीतने अगर आर्सेनल लीग जीतना चाहती है तो सिटी के घर जाने से पहले जिस जिस के घर जाएंगे उस उसके घर जाके ठोका लगाना पड़ेगा नहीं तो लीग फंस जाएगी क्योंकि सिटी एट होम एट एतहाद वुड बी अ बिग बिग अ वेरी टफ टेस्ट जो कि आर्सेनल पास कर सकती है अगर इंजरीज ना हो बट स्टिल इट्स वेरी हार्ड दे हैव टू गो इन इन अंफर्टेबल पोजिशन और वो कंफर्ट कहां से बनेगा आज से शुरू होगा इट्स अनादर फाइनल फॉर आर्सनल अब लेबरपूल की टीम तो आर्सनल के पास अभी जो ऑप्शन है मिड फील्ड में सेट करने के ऑब्वियसली शाका थॉमस पार्टे ओडी गार्ड उनको डेफिनेटली चाहिए इंजरीज है सलेबा माइड नॉट बी देर टो में आंसू भी नहीं होगा उनकी जगह वो स्लॉट फिल इन करेंगे लेकिन आर्सेनल का अगेन लाइक आई ऑलवेज से ब्लू प्रिंट है टीम के पास क्वालिटी में कमी बेशी हो सकती है बट सपोर्ट वेन साका इज इनवर्टेड ही इज विशियस जैसे विनी लेफ्ट पे द मोस्ट डेंजरस लेफ्ट विंगर है ना इन द वर्ल्ड राइट नाउ जस्ट लाइक दैट साका इज द मोस्ट डेंजरस राइट विंगर इन द फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ तो बहुत अच्छी गेम होने वाली है इंटरेस्टिंग अ फायरिंग फिक्सचर अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ फिक्सचर आई वुड से क्योंकि लिवरपूल इस वक्त फोर फोर टू के साथ जाएगी आर्सनल का थ्री एट द बैक को काउंटर करने के लिए लेकिन अगेन आर्सनल जब इन्वर्टेड फुल बैक्स के साथ खेलती है तो वीव सीन दैट दे आर वेरी इफेक्टिव वो मिड को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते हैं बहुत ईजीली करते हैं तो मस्ट विन गेम है आर्सनल के लिए लिवरपूल के साथ उनकी वैसे भी बहुत तसल लगती है आरटेटा वर्सेज क्लॉप आर्सनल वर्सेस लिवरपूल ये एक ऐसी राइवलरी है जो कि पिछले कई सालों में हमने देखिए लिवरपूल ने बड़ा डोमिनेट किया है और आर यू you नो know, ट्राइंग टू तो थ्रो देम अवे राइट नाउ और बहुत स्ट्रेंथ के साथ आर्सनल आ रही है और सेम गोज विद लिवरपूल उनके पास भी एक दो इंजरीज हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मिडफील्ड शायद एक मिडफील्डर इंजर्ड है टियागो ही माइट माइट नॉट बी देयर माइट बी देयर मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं पता टियागो का लेकिन लिवरपूल की भी इंजरीज हैं अब आर्सेनल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है नथिंग लेस देन अ ड्रॉ वेल आर्सनल शुड गो फॉर अ विन बट नथिंग लेस देन अ ड्रॉ और वोड आई कैन सी मेरी प्रोडिक्शन इस गेम की क्या है कंसिडरिंग लिवरपूल्स फॉर्म एंड देर सीजन आई फील लाइक ये है कि राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑन द लाइन एज वेल तो आर्सनल विल गो ऑल इन आर्सनल विल गो ऑल अटैक रिगार्डलेस क्योंकि सिटी ने कंफर्टेबली विन ली है एंड इट्स यू नो इट्स इट्स अ टाइटल फाइट राइट नाउ तो ऑब्वियसली आर्सनल से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दे वुड बी होल्डिंग बैक एंड राइट नाउ दिस आर्सनल नेवर प्लेस फॉर अ ड्रॉ इनका इस टाइप का प्लेइंग स्टाइल है माय प्रोडिक्शन फॉर दिस गेम वाज मैं अपनी प्रोडिक्शन बता रहा था तो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि आई आई कैन प्रोडिक्ट एंड आई फील लाइक माई प्रोडिक्शन वुड बी दैट आर्सनल वुड विन दिस गेम लास्ट आर्सनल वर्सेज लिवरपूल में जो नाइन्टी मिनट क्रीमर था और जो एग्रेशन थी जो डेडिकेशन जो कंपोजर था बॉयस का जो इन्वॉल्वमेंट थी दैट क्लियरली टेल्स के आर्सनल अभी लीग रन में जान नहीं छोड़ने वाले वो एटीट्यूड है तो एंड आई रियली वॉन्ट आर्सल टू विन लीग एज वेल और वो डिजर्व करते हैं किस को लीड्स को हाँ उनको देखो ना लाइक देर देर प्लेइंग हाई स्कोरिंग गेम्स लिवरपूल से थ्री टू जीते फोर फोर वन के फोर लीड्स से जीते देर स्कोरिंग गोल्स दे आर कमिंग बैक लाइक कम बैक्स मार रहे एंड वेन अ टीम स्टार्ट टू कम बैक एंड दे आर डूइंग कम बैक्स ओवर एंड ओवर अगेन अ सीजन दट टेल्स यू वो You कंटेंडर टू गिव वेर इट्स ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा भाई इनको और देखो इस वक्त बात ये है ना कि यार आर्सनल को डिजर्व भी करती है इस सीजन ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए ये नहीं है कि टीम लक से आ गए अपनी मेहनत से आगे इंजरीज के बावजूद भी टीम फाइट कर रही है तो आई फील लाइक आर्सनल विल विन दिस गेम लिवर पूल विल ट्राई बट यू नो देर डिफेंसिव एरर्स एंड देर पुअर डिफेंसिव क्वालिटीज विल बी अ ट्रबल फॉर लिवर पूल क्योंकि आर्सनल का अटैक बहुत विशेष है पिछले तीन मैच में आर्सनल ने कोई ग्यारह गोल स्कोर किए एंड यू नो देर लाइक ऑन एट गेम विनिंग स्ट्रीक राइट

क्या स्ट्रक्चर है दोनों प्लेयर्स के विंसेंट कंपनी दैट गॉट बर्नली प्रोमोटेड ये भी हैज बीन प्रोटेड टू प्रीमियर लीग सीजन खत्म नहीं हुआ बट कंपनी हैज डन इस पर भी हम बात करेंगे ऑन दी अदर हैंड आर्सनल देयर अ एट गेम विनिंग स्ट्रीक तो यू नो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ द टीम्स न्यू तो जीत भी गई है आज पता नहीं कितने गोल मारे इन्होंने टू वन जीते अब सिटी से न्यूका से लास्ट और उसके बाद वो धड़ाधड़ बैक टू बैक बैक टू बैक, बैक जीत रहे हैं और रिमार्केबल विक्ट्रीज है ना प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वेदर इट बी सलेबा उनका जो ब्रूनो मारेस आइजाक रिटर्निंग फ्रॉम हिज इंजरी वो भी बहुत खतरनाक इन लोगों के लिए चल रहा है आज भी ऐजाक ने गोल मारा है एंड ही ऑलवेज डिलीवर्स वेन इट वेन इट इज रिक्वायर्ड तो तो अच्छे मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम के लिए खेल रहे हैं इस वक्त और चेल्सी का गेम की अगर बात की जाए न्यू का इस वीक जीती है चेल्सी जो है उनको भी एक्सपेक्ट किया था वुल्स के अगेंस्ट लेकिन वेलकम बैक लैमपार्ट दैट छोड़ाउट मतलब लैम्पार्ट को आप कंपेयर करो दो गेम मतलब की के सैतियान कोल को अभी कब छोड़ा है अभी एमरे ने मिड सीजन छोड़ा है और कीके के ने टेक ओवर किया है एंड ही ऑलरेडी हैज टू यू नो टू विन्स अगेंस्ट रियाल मड्रिड सीजन दे प्लेड ट्वाइस अगेंस्ट रियाल मड्रिड दिस सीजन और दोनों गेम वो जीते हैं दैट टेल्स यू की वो अपने होम और अवे दोनों गेम रियाल मंड्रेड जैसी यू नो ज्वाइंट टीम के अगेंस्ट जीत चुका है अभी जो गेम वो जीते हैं विला रियाल ने आज जो कम बैक विन मारी मंड्रिड के होम पे सेंट टियागो पे या अल्लाह क्या यार उफ क्या गोल मारे चुकी वेजा ने यार चूंकि वेजा के लास्ट गोल जो उसने 90 मिनट पे मारा या खतीरा या अल्लाह उफ, क्या गोल मारा लाइक आइकॉनिक आइकॉनिक गोल वो भी मतलब इतनी क्लोज रेंज के अंदर मैनेजर की फिलोसफी क्या है प्लेयर्स में कितनी इंजेक्ट कर सकता है वो अपनी क्वालिटी अपनी अपनी टैक्टिक्स अपने बिलीव अपने यू नो वे ऑफ थिंकिंग दैट्स वॉट मैनेजर इज देयर फॉर एंड आई डोंट सी लैम्पाट डूइंग दैट वेरी वेल सो की सेतियान इन लालीगा रिप्लेस्ड ऊना है एंड ही हैज ऑलरेडी वॉन्ट टू गेम्स अगेंस्ट रिस सीजन एंड अनदर थिंग दैट की केज दैनेजर दिस सेंचुरी आई गेस वे बीट इन रियाल मड्रिड एंड बार्सिलोना ऑन देअर होम इन सिंगल सीजन तो यू नो मैनेजर्स हैं इस किस्म के जिनको फिर बार्सिलोना में उसका सीजन अच्छा नहीं रहा उसने रियल बैटस में ये अचीवमेंट ली बार्सिलोना में आया एट टू हारा बट अगेन आई ऑलवेज से को जो टीम जो स्ट्रक्चर मिला था वो ऑलरेडी दैट वॉज एट के तो अब लैम्पार्ड वुल्फ के अगेंस्ट खेल रहे यार क्या कह रहे हो तुम मुझे वट आर यू गैस चैलेंग मी जाओ फिलिक्स मुड्रिक एंजो फर्नाडेस कोली बली रीस जेम्स ये ये कचरा प्लेयर है चलो काई को हटा दो कॉन्टे मतलब आप डिफेंस तो देखो ना उनका आप मुझे बोल रहे हो कि कीपर सही नहीं है राइट बैक सही नहीं है मतलब क्या मसला क्या टीम में एटलीस्ट स्टार्टिंग इलेवन के अंदर चेल्सी के आठ सुपर स्टार खेलते हैं एंड यू आर टेलिंग मी इज प्रॉब्लम विद द टीम और द आइडियोलॉजी द प्रॉब्लम इज इन द ड्रेसिंग रूम एंड द मैनेजर एंड चेल्सी लॉस्ट वेलकम बैक लैमपर्ट लाइक आई हैड नो एक्सपेक्टेशन एनी तो आई कुड सी दैट कमिंग सो नॉट रियली सरप्राइजिंग फॉर मी खैर बात हो रही थी आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिक्क्र ऑब्वियसली आई विल बी वाचिंग, आई माइट डू अ वॉच अलॉन्ग एज वेल बट माय प्रोडिक्शन फॉर दिस गेम इज दैट आर्सेनल प्रॉब्ली विल स्टार्ट विद रॉब होल्डिंग एंड आर्सनल विल विन दिस गेम एंड लिवरपूल विल पुट इन अ फाइट क्लॉप माई ट्राई टू यू नो माई नॉट ट्राई टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला वो वट ही विल डू इज प्रॉबली ही स्टार्ट विथ फोर फोर टू वो बेसिक फोर फोर टू ही खेलेगा या फोर टू फोर ही खेलेगा क्योंकि आर्सनल तो अपने फ्रंट फोर ही रखने वाली है विथ इन्वर्टेड जिन चैन को इन द मिड एंड थ्री एट द बैक तो या फॉर मी आर्सनल इज मिनिंग दिस गेम बाकी बार्सलोना की भी गेम है कल uh, उस पर हम बाद में बात करेंगे रियाल मड्रिड की गेम की रियाल मेड्रिड लॉस्ट अगेंस्ट ल अब आप चेक करो ना यार दिस इज फुटबॉल फॉर यू बार्सोलोना को चार गोल ठोक के आ रहे हैं कैंपनो पे विद बेंजिमा स्कोरिंग अट्रिक एंड देन दे लूज अगेंस्ट विलारियाल एट दियर ओन होम दिस इज फुटबॉल फॉर यू बट रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू यू कैन से या इसको कुछ भी बोलो विलारियाल प्लेडर रेली 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 गुड गे और फिर उसके बाद सुनने में आ रहा वालवर्दे ने पंचिस दिए माइक टाइसन बन गया पार्किंग में जोजे मोरीनियो की तरह इंतजार कर रहा था और फिर वो बिलरियाल का प्लेयर आया तो उसको पंच वंच करा दिए और पता नहीं काफी सुनने में आ रहा दो मैच का बैन ये बड़ा मसला है मड्रिड वालों के साथ लाइक दे फील सो रॉयल के उनसे कोई उनको अगर उनको नीची नजर से देखे उनको बर्दाश्त नहीं होता या कोई बा... मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनको बराबरी की नज़र से भी देखो तो वो कहते हैं तू कैसे बराबरी की नज़र से देख रहा है मड्रिड वाइट शर्ट है ये मतलब वो पंद्रह चौदह उनके अंदर ये एटीट्यूड इश्यूज हैं तो कितनी इमेच्योर हरकत की है मतलब ये बाल वर्दे ने आई आई लव इम एज अ प्लेयर बट दिस इज नॉट यू नो वट मेक्स यू अ गुड प्लेयर तो या आई गेस दैट शुड बी एट गाइज प्रॉब्लम मैंने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया है अगर कुछ रह गया तो do mention it in the Liverpool Arsenal के गेम के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से इंटरेस्टिंग फुटबॉल फैक्ट्स तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें कीप वाचिंग एके रिव्यूज एंड डू सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर जो होता है सब बटन दबा दो बॉयज एंड हाँ अपना ख्याल रखें हाफ़िज